29 जुलाई की शाम करीब 8:30 बजे थे। ईद की छुट्टियों पर घर पहुंचे आर्मी का एक जवान लापता हो गया था। इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। परिवार वालों ने जवान के किडनैपिंग की आशंका जताई थी। और अब घटना के करीब 5 दिन बाद 3 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस आर्मी के जवान को ढूंढ निकाला है। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि सेना के लापता जवान को कुलगांव पुलिस ने ढूंढ लिया है। मेडिकल जांच के तुरंत बाद संयुक्त रूप से पूछताछ शुरू होगी। मामले में आगे की जानकारी दी जाएगी। दरअसल लद्दाख में तैनात जावेद अहमद वानी जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में अपने पैतृक घर पर छुट्टी पर आए थे। इसी दौरान 29 जुलाई की शाम उनके लापता होने की खबर मिली। वो शाम करीब 8 बजे स्थल में अपने घर से खाने पीने का सामान लेने के लिए चावल गांव के लिए निकले थे, जिसके बाद वो लापता हो गए। वो अपनी ऑल्टो कार में सवार होकर घर से निकले थे। देर रात तक जब वो घर वापस नहीं आए तो पड़ोसियों और गांव के दूसरे लोगों ने मिलकर उनकी खोजबीन शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उनकी अनलॉक ऑल्टो कार कुलगांव के पास ही प्राणहाल से बरामद की गई थी। कार से जवान की चप्पलें और खून के कतरे भी मिले थे। ऐसे में शक जताया जा रहा था कि उन्हें आतंकियों ने किडनैप कर लिया है। बेटे के लापता होने की खबर मिलने के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आर्मी और दूसरी सुरक्षा एजेंसी जावेद अहमद वानी की तलाश में लगातार छानबीन कर रही थी और अब उनकी खबर मिलने के बाद परिवार वालों में खुशी का माहौल है। जावेद अहमद वानी की बहन ने कहा, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन लोगों ने भाई को ढूंढने में हमारी मदद की। वे लोग रात दिन लगातार हमारे भाई की तलाश में जुटे हुए थे। हम लोग उन सभी लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं बेटे की खबर मिलने के बाद जावेद अहमद वानी की मां ने कहा, पिछले 6 दिनों से मैं बहुत दुखी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मुझे खुशखबरी मिली तो मैं बहुत खुश हुई। अब मैं सभी सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन लोगों ने हमारे बेटे को ढूंढने में हमारी मदद की। बेटे के वापस आने की खुशी में जावेद अहमद वानी के पिता ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बीती रात हमें ये जानकारी मिली कि सुरक्षा बलों ने हमारे बेटे को ढूंढ निकाला है। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। इसके बाद मैं घर लौटा और इसके बारे में घर वालों और पड़ोसियों को बताया। मैं LG प्रशासन, पुलिस और आर्मी का उनकी कोशिशों के लिए बहुत शुक्रगुजार। हालांकि जावेद अहमद वानी के लापता होने से जुड़ी कई जानकारियां अब तक सामने नहीं आई हैं, जैसे कि वो इतने दिनों तक कहां थे, उन्हें इतने दिनों तक कहां रखा गया था, उन्हें कैसे पकड़ा गया था, वो आतंकियों के चंगुल से कैसे निकले। उम्मीद है कि इन सवालों के भी जवाब जल्द आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो राहत की बात ये है कि जावेद अहमद वानी सुरक्षित वापस लौट आए। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।